हेलो एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू मित्र ज्ञान। आज हम डिस्कस करेंगे वायु के बारे में। वायु यानी एयर, इसी को हम एटमॉस्फेयर भी बोल सकते हैं। सबसे पहले वायुमंडल क्या होता है, उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वायु क्या होता है। देखिए, वायु यानी एयर, एयर बहुत सारी गैसों से मिलके बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं, यानी हवा बोलते हैं, ठीक है। और वायुमंडल क्या है, देखिए जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों ओर बहुत सारी लेयर्स हैं गैसों की, बहुत सारी गैसों की क्या है, लेयर्स हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी है वो चारों ओर से वायु से घिरी हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। तो आपको ये चल गया पता कि वायुमंडल क्या होता है, लेकिन वायुमंडल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, जो सूर्य से बहुत सारी हानिकारक जो किरणें आती हैं, जैसे परावैगनी किरणें, यूवी रेज, उससे हमें बचाता है कौन, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। जब कभी भी पृथ्वी के ऊपर कोई उल्का गिरने वाला होता है, यानी उल्का जब हमारे पृथ्वी पे गिरने वाला होता है, तो उसे वायुमंडल से होके गुजरना होता है और वायुमंडल उसे जला के राख कर देता है, ठीक है। और जो भी हम सांस लेते हैं, यानी जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे हम जी पाते हैं, हमारा जीवन संभव हो पाता है, वो हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें वायुमंडल से ही मिलती है। हम अपनी ही बात क्यों करें, अगर हम जानवर की बात करें तो जानवर भी जो ऑक्सीजन लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, वायुमंडल से लेते हैं। जो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, वो वायुमंडल से ही लेते हैं। तो हमारा जीवन संभव है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि वायुमंडल से हमारा क्या है, जीवन संभव होता है। तो ये हमने देखा वायुमंडल की परिभाषा और वायुमंडल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि वायुमंडल का संगठन कैसे हुआ है, यानी निर्माण कैसे हुआ, यानी जो वायुमंडल है किन किन चीजों से बना है, किन किन गैसों से बना है। अभी हमने आपको बताया था कि जो वायुमंडल है बहुत सारी गैसों से मिलकर बना है, तो इसके अंदर बहुत सारी गैसें होंगी, तो कुछ ज्यादा गैसें होंगी, कुछ कम गैसें होंगी। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैस है वो है नाइट्रोजन, जो 78.8% है, यानी सबसे बड़ा हिस्सा। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ऑक्सीजन, इसे हम O2 बोलते हैं, ये है 20.95%, यानी इसे हम रफली 21% भी बोल सकते हैं। जो हम सांस लेते हैं वो हम क्या कहाँ से लेते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं। थर्ड नंबर पे है आर्गन, जो है 0.3%। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जो हम छोड़ते हैं और जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पादप होते हैं, वो इन्हें ग्रहण करते हैं, ठीक है। ये कितनी है, ये है 0.036%। उसके बाद है नियोन, फिर है हीलियम, फिर है क्रिप्टोन, और फिर है जिनोन, और सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बहुत ही कम मात्रा में आपको वायुमंडल में देखने को मिलेगी, जो आपको सबसे ऊपरी परत में देखने को मिलेगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कितनी है, ये है 0.00005%। तो ये कुछ गैसेस हैं जिन गैसों से मिलके वायुमंडल का निर्माण हुआ है। लेकिन इन गैसों के अलावा भी कुछ धूल के छोटे छोटे कण हैं, कहाँ पे, हवा में, यानी वायुमंडल में कुछ छोटे छोटे कण हैं। अब वो कण किस चीज के हैं, देखिए वो कण समुद्री नमक के हो सकते हैं, वो कण राख के हो सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आपके घर में या फिर कहीं पर भी, मान लेते हैं कि अंधेरा है और बहुत छोटी सी किवी छेद से, किवी छोटे रास्ते से जब अंदर रोशनी आती है, तब आपको उसके अंदर कण देखने को मिलते होंगे घूमते हुए। वो क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, जो मिट्टी के छोटे कण होते हैं, या तो समुद्री नमक के होते हैं,
या फिर किसी राख के होते हैं। तो वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैसें आती हैं और धूल के कण होते हैं जिससे वायुमंडल का निर्माण हुआ है। तो वायुमंडल में हमने सबसे पहले देखा कि सबसे पहले नंबर पे क्या था, नाइट्रोजन था जो था 78% अप्रोक्सीमेट, इसे हम 79% भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नाइट्रोजन हमारे लिए क्यों उपयोगी है। देखिए जब हम सांस लेते हैं तो सांस हम हमारे लिए सांस लेने में क्या जरूरी है, वो है ऑक्सीजन। लेकिन जब हम सांस लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि वायु के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस में ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी हमारे अंदर चली जाती है। यानी जब हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन से हम चली जाती है। लेकिन जो हमारा फेफड़ा है, जो हमारे फेफड़े हैं दोनों, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, हमने सांस ली, सांस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर जो भी गैसेस हैं वो सारी हमने ली, लेकिन हमारे शरीर ने एक्सेप्ट कौन सी करी, सिर्फ ऑक्सीजन करी, बाकी सारे गैसेस को निकाल दिए। लेकिन जो पौधे होते हैं उनके जीवन के लिए जो नाइट्रोजन है बहुत ही आवश्यक होता है, लेकिन जो पौधे हैं वो सीधा वायु से नाइट्रोजन को ले नहीं सकते, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन नहीं नाइट्रेट लेते हैं, और नाइट्रेट एक नाइट्रोजन का ही रूप है। अब इसे बदलने का काम कौन करेगा? देखिए ज्यादातर जो दलिए जिसमें हम दाल वगैरह उगाते हैं उनकी जो आपको जड़ें देखने को मिलेंगी, उनके जड़ों में आपको एक जीवाणु देखने को मिलेगा जिसे हम बोलते हैं राइजोबियम। ठीक है, क्या बोलते हैं, राइजोबियम। ये जीवाणु होते हैं ये हवा से नाइट्रोजन लेते हैं, उस नाइट्रोजन को ये लोग नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं, और इस नाइट्रेट को जो ये पौधों की जड़ें हैं ये ग्रहण कर लेती हैं। यानी जो राइजोबियम जीवाणु है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करके पेड़ पौधों के लिए उपलब्ध करा देते हैं। तो ये हमने देखा नाइट्रोजन। सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन थी सबसे ज्यादा मात्रा में, वो क्या थी, 20.8% अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अब आपको पता है कि ये सेकंड नंबर पे आती है, और मनुष्य और पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, जैसे कि कोई पेड़ है या कोई पौधा है, जब वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो वो ऑक्सीजन का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जब वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, हम उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। लेकिन हम लोग यानी जो मनुष्य है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, उसको कौन ग्रहण करता है, उसको ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे। तो ये कुछ ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है, यानी पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ेंगे और मनुष्य उसे लेंगे, ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन तब क्या होगा, जब हम वृक्ष काट देंगे तब हमारे लिए ऑक्सीजन का उत्पादन कौन करेगा, हम लोग तो ऑक्सीजन ले लेंगे तो उत्पादन कौन करेगा, तो उससे क्या होगा, जो भी संतुलन होगा वो क्या होगा, बिगड़ जाएगा ऑक्सीजन का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी CO2 की। देखिए गैसेस में बात करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बहुत महत्वपूर्ण गैस है हमारे जीवन के लिए भी। ठीक है, जो हरे पौधे होते हैं या फिर हरे पादप होते हैं अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, यानी जो हरे हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या ग्रहण करते हैं, वो CO2 ग्रहण करते हैं। मान लेते हैं कि ये पौधा है या फिर पेड़ है, इन्होंने क्या ले लिया, CO2 ले लिया, और इन्होंने ऑक्सीजन छोड़ दी, जिसे किसने ले लिया, किसी जानवर ने या किसी मनुष्य ने। फिर इस जानवर ने CO2 छोड़ दिया, और इस CO2 को किसने ले लिया, इस CO2 को किसने ले लिया,
इस पेड़ ने ले लिया, ये प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है, और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है, यानी एक संतुलन सा बना रहता है। यानी जितना हम लोग मनुष्य जो गैस छोड़ते हैं या फिर मनुष्य CO2 छोड़ते हैं, उसको जो पेड़ पौधे लेते हैं उतना ही पेड़ पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो ये संतुलन बना रहता है। लेकिन तब क्या होगा, जब हम कोयला या फिर खनिज तेल आदि जो ईंधन होंगे, जो भी ऐसे ईंधन हैं, उनको जलाने पे जो भी CO2 का निर्माण होगा उससे क्या होगा, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, इससे क्या होगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। ये वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ोतरी कर रहे हैं, ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। अब हम बात करते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैसेस, ये होता क्या है। देखिए, जो ये जो नाम रखा गया है ग्रीन हाउस गैस, ये नाम क्यों रखा गया है इसके बारे में देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा, हमने एक रूम जैसा या फिर इसको हम घर जैसा बोल सकते हैं कि हमने बना रखा है, इसके अंदर जो हमने शीशे लगा रखे हैं वो कुछ इस प्रकार से शीशे हैं कि जो सूर्य से किरणें आएंगी वो बिना रुके इसके अंदर प्रवेश कर सकती हैं। लेकिन जब प्रवेश करने के बाद अंदर ये किरणें टकराएंगी नीचे की ओर, उसके बाद जब ये ऊपर की ओर जाएंगी यानी बाहर निकलने की कोशिश करेंगी, तो इसका कुछ कुछ ही हिस्सा बाहर निकल पाएगा बस, बाकी हिस्सा इसी के अंदर घूमता रह जाएगा, ठीक है, ये होता है ग्रीन हाउस गैसेस। तो उसी प्रकार से कुछ ऐसे गैसेस हैं जो सूर्य की जो किरणें आती हैं उनको अंदर आने देती हैं लेकिन जाने नहीं देती, ठीक है, वो उससे क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं गर्म होती हैं, वो उनको अगर हम जाने नहीं देंगे तो क्या होगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहेगा, ठीक है। इसमें कौन कौन सी गैसेज हैं जो पृथ्वी के तापमान को बना के रखती हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरीन टेड गैस और जलवाष्प भी इसके अंदर आता है। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, देखिए जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं चार, इनकी जो मात्रा है उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो CO2 है, कोयला, अदर पेट्रोलियम जो पदार्थ हम जिसका हम दहन करते हैं, जलाते हैं, उससे CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा निकलती है, इसे हमारे वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है। जब CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो सूर्य का ताप हमारे पास आता है पृथ्वी के ऊपर, वो ज्यादा हमारे पास क्या होगा, रुक जाएगा, ज्यादा रुकेगा तो ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, ज्यादा गर्मी बढ़ेगी तो हमारा जो संतुलन हैगा प्राकृतिक संतुलन वो बिगड़ जाएगा, इससे क्या होगा, मौसम में चेंजेस होंगे, ज्यादा बारिश आएगी, ज्यादा सूखा पड़ेगा, ये सारी दिक्कतें हमें देखने को मिलेंगी। तो हमने देख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या क्या चीजें होती हैं, थोड़ी हम ये देख लेते हैं। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करते हैं, इस बारे में हम आपको बता चुके हैं पहले ऊपर, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना संभव नहीं हो सकता। देखिए, जो ग्रीन हाउस गैस है अगर वो संतुलन में है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस का होना बहुत जरूरी है। जब तक ग्रीन हाउस गैस हैगी तब तक हमारे लिए जीवन क्या है, संभव है, क्योंकि हमें एक एवरेज तापमान की जरूरत है, जो ज्यादा ना गर्म हो और जो ज्यादा ठंडा भी ना हो। लेकिन जब ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होंगी तो पृथ्वी का सारा ताप क्या होगा, बहुत तेजी से पृथ्वी पे आएगा और बहुत गर्मी पड़ेगी, जिससे यहाँ पे रहना संभव नहीं होगा, और रात के वक्त में बहुत ठंडी पड़ेगी, ठीक है, इसीलिए ग्रीन हाउस गैस होना बहुत जरूरी है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, इसे भू
मंडलीय ताप या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब सिंपल सा ये है कि जब हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। सिंपल सी बात है, जब हमारी पृथ्वी गर्म होगी तो जहां पे बर्फ जमी होगी वो पिघलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। जब बर्फ पिघलेगी तो पानी कहीं ना कहीं जाएगा, पानी कहीं पर भी जाएगा। हमारे से किसी नदी में गया तो नदी अपना सारा पानी कहाँ बहाती है? समुद्र में। समुद्र का जो पानी लेवल हो क्या होगा? वो ऊपर आएगा, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाते हैं। देखिए, जब समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो आसपास जो भी तट है किसी भी देश के, तो उसके अंदर पानी घुसने लगेगा, जिससे क्या होगा? बाढ़ की समस्या आपको देखने को मिलेगी। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि वायु चक्र क्या है। सबसे पहले हम इसकी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। देखिए, मान लेते हैं कि ये सूरज है और यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है कहाँ पे? गैसेस पे, यानी वायु पे। मान लेते हैं कि ये वायु, जब वायु गर्म होती है तो वो फैलती है और हल्की होकर ऊपर की ओर जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम कभी पानी उबालते हैं तो उससे क्या होता है? आपने देखा होगा कि ऊपर क्या भाप बन के जाता है कुछ, वो क्या होता है? जो वहां की वायु होती है वो गर्म हो जाती है, इसीलिए वो ऊपर की ओर उठती है। जब वो ऊपर की ओर उठेगी तो जो ये एरिया है ये कैसा हो जाएगा? ये एरिया हो जाएगा खाली सा। जब कोई भी चीज खाली हो जाएगा तो आसपास से जो भी हवा होंगी इसको भरने के लिए चारों तरफ से आएंगी, ठीक है, और इसको भरने की कोशिश करेंगे। तो एक चक्कर इसी प्रकार से चलता रहता है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, जो गर्म वायु होती है वो बहुत हल्की होती है, लेकिन ठंडी वायु कैसी होती है? बहुत भारी होती है, इसीलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। जब गर्म होके वायु ऊपर जाएगी, जैसे कि हमने आपको बताया, तो यहाँ पर जगह बन जाएगी और ये भरने आ जाएंगे, तो जो ऊपर गई है वायु गर्म होके यानी हल्की होके, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं 165 डिग्री, सॉरी 165 मीटर जाने पे हमें 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान घटता हुआ दिखाई देता है। यानी जैसे जैसे वायु ऊपर जाएगी तो क्या होगा? उससे जो हमारी वायु है वो ठंडी होगी, जब वो ठंडी होगी तो फिर से वो नीचे आ जाएगी। यानी मान लेते कि यहाँ से उठी और यूं जा रही है और अब वो ठंडी हो गई तो नीचे आ जाएगी, फिर उसको यहाँ पे जगह मिलेगी तो यहाँ से क्या करेगी? इसको भरने के लिए आएगी, भरने के बाद फिर गर्म होगा। तो इसी प्रकार से ये एक चक्र की तरह घूमते रहेगी, इसी को हम बोलते हैं वायु चक्र। अब बात करते हैं वायुमंडल की संरचना के बारे में, यानी वायुमंडल की संरचना किस प्रकार से हुई है, किस प्रकार से हमने वायुमंडल को बांट रखा है, इसका अध्ययन करने के लिए। देखिए, वायुमंडल की 5 परतें हैं, फाइव फाइव लेयर्स, ठीक है, जिसमें सबसे नीचे है क्षोभमंडल, उसके ऊपर है समताप मंडल, उसके ऊपर है यानी बीच में मध्य मंडल, फिर उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा ताप मंडल या फिर बाह्य मंडल, ठीक है, उसके ऊपर आपको मिलेगा बाह्य मंडल। जो क्षोभमंडल है उसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, जो समताप मंडल है उसे हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, जो मध्य मंडल है उसे हम मेसोस्फेयर बोलते हैं, और जो ताप मंडल है उसे हम थर्मोस्फेयर बोलते हैं, और जो बाह्य मंडल है उसे हम एक्जो एक्जो स्फेयर बोलते हैं। ये वायुमंडल के क्या है? परत है, 5 परतों में बांटा गया है वायुमंडल को। तो आइए हम शुरू से इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है क्षोभमंडल। देखिए, मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और सबसे पहली परत आपको देखने को मिलेगी इसके ऊपर, वो कौन सी है? क्षोभमंडल।
तो इसकी हाइट क्या है? इसकी कोई हाइट भी तो होगी। देखिए इसकी हाइट अगर एवरेज की बात करें तो जो एवरेज इसकी हाइट है वो है 13 किलोमीटर, जिसमें पोल्स पे यानी जो ध्रुव होते हैं ध्रुव पे इसकी हाइट सिर्फ 8 किलोमीटर देखने को मिलती है, और जो इक्वेटर होता है हमारा इक्वेटर पे हमें हाइट इसकी 18 किलोमीटर तक तो देखने को मिलती है। इसके कारण के बारे में जानते हैं। देखिए गर्मी के मौसम में यानी ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म ऋतु में होता यह है कि आपको पता है कि जो इक्वेटर है वहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है। जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो जो वहां के जो गैसें हैं वो क्या होंगी, हल्की होंगी, ऊपर की ओर जाएंगी और फैलेंगी भी। तो गर्मी के मौसम में वो कुछ ज्यादा फैल जाती हैं और जो हवाएं चलती हैं उसको भरने के लिए वो उनको बहुत ऊपर तक लेके जाती हैं, यानी 18 किलोमीटर तक उनको ऊपर तक लेके जाती हैं। इसीलिए जो इक्वेटर है या फिर विषुवत वृत्त है उसकी जो पहली लेयर है क्षोभमंडल वो 18 किलोमीटर तक हम बोलते हैं। और पोलर पे 8 किलोमीटर देखने को मिलता है आपको, क्योंकि वहां पे गर्मी क्या होती है, कम होती है, वहां पे बर्फ देखने को आपको ज्यादा मिलती है। और एवरेज की बात करते हैं तो 13 किलोमीटर आप बोल सकते हैं कि जो हमारा क्रस्ट है उससे सिर्फ 13 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलता है क्षोभमंडल। देखिए क्षोभमंडल में ही आपको जितने भी मौसम से रिलेटेड कोई भी चीजें होती हैं वो सब आपको क्षोभमंडल में ही मिलेगा, यानी हम बोल सकते हैं कि क्षोभमंडल में ही आपको वर्षा देखने को मिलेगी। ठीक है, और वर्षा मतलब बादल देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो भी कोहरा होता है, जो भी क्या बोलते हैं बर्फ की बारिश होती है, वो सब आपको यहीं पे देखने को मिलते हैं। आपको जैसे कि पता है कि जो हमारा माउंटेन एवरेस्ट है उसकी हाइट 8,850 मीटर है, यानी इसको हम 8 किलोमीटर और 850 मीटर बोल सकते हैं। लेकिन जो क्षोभमंडल है हमारा उसकी एवरेज जो हाइट है वो 13 किलोमीटर है, यानी जब सबसे बड़ा पर्वत इसी के अंडर आता है तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी पर्वत हैं पूरे अर्थ पे वो सब क्षोभमंडल के अंदर ही आते हैं। जितने भी पठार हैं वो भी सब क्षोभमंडल के ही अंदर आते हैं। ठीक है, मैदान हो गया, जो भी चीजें हमें देखने को मिलती हैं हमारे आसपास वो सब क्षोभमंडल के अंदर ही आती है। जो हम सांस लेते हैं उसके लिए जो ऑक्सीजन होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, क्षोभमंडल से ही देखने को मिलती है। ठीक है, जो ये आप बलून देखते हैं ऐसा उड़ने वाला, ये भी आप क्षोभमंडल में ही उड़ाते हैं। तो ये सारी चीजें थी क्षोभमंडल। सेकंड नंबर पे आता है समताप मंडल। ठीक है, देखिए समताप मंडल की जो हाइट है वो 50 किलोमीटर तक है, यानी कि 1 से 13 उसके बाद यहां से 50 किलोमीटर, यानी नीचे से ऊपर तक अगर देखेंगे तो 50 किलोमीटर तक आपको क्या देखने को मिलेगा, समताप मंडल देखने को मिलेगा। देखिए समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। कारण यह है कि समताप मंडल में तापमान स्थिर होता है, कोई भी मौसम संबंधी गतिविधियां नहीं होती, यानी ना तो वहां पे वर्षा होगी, क्योंकि वर्षा कहाँ पे होती है, उससे नीचे लेयर यानी क्षोभमंडल में होती है। लेकिन हम समताप मंडल की बात कर रहे हैं तो वहां पे वर्षा नहीं होगी, बादल देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, कोहरा नहीं पड़ेगा, और जो ओजोन परत है हमारी जो यूवी रे से हम लोगों को बचाती है, यूवी रेज बहुत ही घातक होती है मनुष्य के लिए, जो त्वचा कैंसर करती है। ठीक है, अगर ओजोन परत ना हो तो जितने भी वाइट चर्मी चर्बी वाले लोग हैं यानी स्किन उनकी वाइट होती है उनको त्वचा कैंसर होने की संभावना है। ठीक है, तो ओजोन परत का होना बहुत जरूरी है। तो हमें ओजोन परत देखने को कहाँ मिलती है,
तो वो हमें देखने को मिलती है समताप मंडल में, ठीक है। ओजोन हमें क्षोभ मंडल में भी देखने को मिलती है, ओजोन के सबसे ऊपरी परत में। मान लेते कि ये है क्षोभ मंडल, तो हमें ऊपरी जो ये 10 किलोमीटर, सॉरी जो 1 किलोमीटर का एरिया मान लेते हैं ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है ओजोन परत, ठीक है। लेकिन वो जो ओजोन परत है वो पॉल्यूशन का रूप ले लेती है, तो हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं समताप मंडल में जो हमें ओजोन परत देखने को मिलती है, ये हमें 30 से 40 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि समताप मंडल के ना तो नीचे ना तो ऊपर, हमें बीच में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमने देखा समताप मंडल, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, सम सम मतलब समान, ताप जो यहाँ का जो तापमान होता है वो कैसा होता है, समान होता है, यानी तापमान में कोई गिरावट या फिर तेजी देखने को नहीं मिलती। जैसे कि यहाँ पर जो क्षोभ मंडल है हमने पहले वाला पढ़ा, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं पर हर 165 मीटर पे हमें 1 डिग्री सेल्सियस का क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस घटता जाता है, कहाँ तक, क्षोभ मंडल तक। लेकिन जब उसके ऊपर समताप मंडल आता है तो वहां पर तापमान क्या होता है, स्थिर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं मध्य मंडल, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो मंडल है ये मध्य में मंडल आपको देखने को मिले। देखिए जो भी उल्का पिंड आते हैं, यानी पृथ्वी पे कोई भी उल्का गिरने के लिए आता है, तो मध्य मंडल ही है जो इसे जला के राख कर देता है, ठीक है। कुछ बड़े बड़े उल्का पिंड होते हैं जो जलने से राख नहीं हो पाते और पृथ्वी पे गिर जाते हैं, जिससे क्रेटर झील का क्या होता है, निर्माण होता है। जो मध्य मंडल होता है सबसे ठंडा मंडल बोलते हैं इसे, ठीक है। और जो इसकी हाइट आपको देखने को मिलती है वो 50 से शुरू होती है और 80 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलती है इसकी हाइट। फोर्थ नंबर पे आता है जिसको हम बाह्य मंडल भी बोलते हैं और आयन मंडल भी बोलते हैं, ठीक है। ये है फोर्थ फेज, इसकी जो हाइट होती है वो 400 से 640 किलोमीटर के बीच में आपको देखने को मिलेगी। कहीं पर आपको 400 लिखा हुआ दिखाई देगा तो कहीं पर आपको 640 किलोमीटर लिखा हुआ दिखाई देगा, इससे कोई मतलब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए जो भी रेडियो से संचार होता है, जो भी हम यहाँ से वेव्स छोड़ते हैं रेडियो वेव्स, वो बाह्य मंडल में जाके रिटर्न हमारे पृथ्वी पे ही आ जाते हैं, ठीक है। और हम इसे आयन मंडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ आयन के कुछ कण देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इसे आयन मंडल बोलते हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है बहिर्मंडल, बहिर्मंडल 640 किलोमीटर पे शुरू होता है और ऊपर चलता जाता है, हम लिख सकते हैं कि 10,000 किलोमीटर तक ये ऊपर आपको देखने को मिलेगा बहिर्मंडल। देखिए जो वायु की सबसे ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं, बहिर्मंडल बोलते हैं। यह वायु की पतली परत होती है और इसमें हल्की गैसें होती हैं जैसे हीलियम और हाइड्रोजन, यह अंतरिक्ष में तैरती रहती है, ठीक है। क्योंकि बहिर्मंडल के शुरू होते ही अंतरिक्ष चालू हो जाता है, तो ये हमने देखे 5 लेयर्स बहिर्मंडल तक। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए क्षोभ मंडल है यानी जो सबसे फर्स्ट लेयर है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा तापमान है वो घटता है ऊपर जाते जाते, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तापमान क्या होगा, घटता रहेगा। लेकिन जब समताप मंडल आएगा तो हमारा तापमान क्या होगा, समान होगा, यानी समताप स्थिर रहेगा। अभी हमने बताया था आपको जो मध्य मंडल होता है वो सबसे ठंडा मंडल होता है, तो उसके अंदर भी क्या होगा, हमारा तापमान बहुत तेजी से क्या होगा, घटेगा। उसके बाद तो जो ऊपर दो बसते हैं बाह्य मंडल और बहिर्मंडल, इन दोनों में तापमान बहुत तेजी से क्या होता है, बढ़ता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें ऊपर वाले को, यानी बाह्य मंडल और बहिर्मंडल को अगर जोड़ दें तो हम इसे ताप मंडल बोलते हैं।
ठीक है, तो ये था वायु के बारे में और वायुमंडल की संरचना के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।